दोस्तों, आप जहां कहीं भी मुझे आप देख रहे हैं, चाहे YouTube हो या डेली मोशन हो या डेली हंट हो या जो भी सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि 1 जनवरी 2021 से बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी दोस्तों कि मैं उतना मेंशन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आज आपको 3 अपडेट दे रहा हूं दोस्तों कि अभी जो 1 जनवरी 2021 से 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं। पहला बदलाव होने वाला है दोस्तों कि जियो ने हम लोग के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज दिया है कि खुशखबरी दिया है कि हम पहले क्या था दोस्तों कि जब हम जियो का रिचार्ज कराते थे 149 का या 199 का या जितना भी उसका प्लान हम रिचार्ज कराते थे, तो हमको जियो टू जियो मतलब कि फोन फ्री था, कॉलिंग फ्री था। और हम जैसे ही ऑर्डर कॉल करते थे तो जितना बैलेंस हमको मिलता था ऑर्डर कॉल करने के लिए दोस्तों, उसके बाद एक्स्ट्रा जब हम कॉल करते थे तो हमको एक्स्ट्रा बैलेंस देना पड़ता था जियो को। तो इन्होंने साफ एकदम मेंशन कर दिया है दोस्तों कि 1 जनवरी 2021 से अब कोई भी कस्टमर को एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी खुशखबरी हमको ये मिली है जियो की तरफ से। और दूसरा बदलाव होने वाला है दोस्तों कि UPI ट्रांजेक्शन को लेकर। UPI ट्रांजेक्शन में दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि फोन पे है, गूगल पे है, अमेजोन पे है या पेटीएम है या जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है दोस्तों हमारी जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, तो NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 30% का कैप लगाया हुआ है, जिसमें आपको मैं बता दूं दोस्तों, मेंशन कर दूं कि जो पेटीएम है इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, मतलब कि इस पर जो 30% का कैप लगाया नहीं गया है। NPCI ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि हम जो पेटीएम है हम इसके द्वारा कोई भी 30% का जो कैप लगेगा वो हम नहीं लेंगे। तो जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है दोस्तों, 1 जनवरी 2021 से यानी कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, जो भी हम मतलब कि पैसा किसी के खाते में ट्रांजेक्शन करेंगे, तो दोस्तों कुछ भी करेंगे तो हमारे ऊपर अब पैसा लगेगा। पहले क्या था दोस्तों कि हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं था, हम फ्री में गूगल पे, फोन पे या अमेजोन पे से करते थे हम ट्रांजेक्शन। कुछ हमें उस पर हमको रिवार्ड्स पॉइंट भी मिलता था, चाहे हम गूगल से करें या अमेजोन पे से करें या फोन पे से करते थे, थोड़ा बहुत मुझे हम लोगों को दोस्तों रिवार्ड्स पॉइंट भी मिलता था, तो थोड़ा बेनिफिट हो जाता था। लेकिन अभी NPCI ने साफ साफ मेंशन कर दिया है दोस्तों कि जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है दोस्तों, हम उनसे 30% मतलब कि 30% कैप लगाएंगे। तो देखिए 1 तारीख से ये बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, ठीक है। और तीसरा दोस्तों है कि जितने भी दोस्तों मोबाइल हैं, मतलब कि 4.0.3 वर्जन वाले जितने भी मोबाइल हैं, चाहे वो एप्पल के मोबाइल हो या एंड्रॉयड मोबाइल हो, इन पर जो है जो व्हाट्सएप है चलना बंद हो जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2021 से जितने भी ये वर्जन के मोबाइल हैं, आपको अब उसमें व्हाट्सएप नहीं चलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए सबसे बेटर काम है दोस्तों कि आपके पास यदि 4.0.3 वर्जन वाला मोबाइल है, तो सबसे पहले काम कीजिए दोस्तों कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, तो शायद आपके मोबाइल में मतलब कि व्हाट्सएप फिर से चलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 3 जो बदलाव होने वाला था मैं आप लोगों को साफ साफ मेंशन कर दिया हूँ, बता दिया हूँ दोस्तों। वैसे तो बदलाव बहुत सारे होने वाले हैं 1 जनवरी 2021 से, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको छोटी सी वीडियो में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज में दे पाया होगा। यदि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल घंटा को भी प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन कर लीजिएगा दोस्तों। और आपके मन में किसी प्रकार का यदि डाउट सवाल होगा दोस्तों, तो मेरा कमेंट बॉक्स खाली रहता है, आप उसमें कमेंट कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।